मध्य प्रदेश मंदसौर जिले के मल्हारगढ़ तहसील के ग्राम लूना हेड़ा विगत कई वर्षों से भ्रष्टाचार के चलते गांव विकास कार्यों से वंचित था। वहीं ग्रामीण जन गांव में विकास देखने को तरस गए थे। भ्रष्टाचार के आरोप लगने के बाद सरपंच को उच्च अधिकारियों द्वारा निलंबित कर दिया था। इस दौरान उप सरपंच महेश पाटीदार को सरपंच पद पर नियुक्त किया, जिसके बाद गांव में सीसी सड़क, न्यू नाली निर्माण कर गांव के शमशान घाट का जीर्णोद्धार कर करीब 10 लाख रुपए का विकास किया गया, जिसको लेकर ग्रामीण जनों में हर्षोल्लास का माहौल बन गया। मेन उद्देश्य था कि जिला पंचायत सीओ ने उनको सरपंच पद से प्रतीक किया था। उनका एक तो ये शमशान में जो कुआ अधूरा पड़ा है, अभी आपने देखा है, उसके पैसे निकाल लेना तथा एक सीसी के बिल्कुल ही पैसे निकाल लिए गए थे, इस कारण से उनको सरपंच पद से पृथक कर दिया गया था। मैं तो बहुत कम समय का चार्ज मिला है, 1.5-2 महीने रह गए शायद, आपको भी पता है चुनाव आने में, लेकिन हमसे जो बन रहा है हमने 1.5 महीने में अच्छा काम किया है। 10 लाख रुपए का विकास कार्य गांव का करवाया है और भी काम चल रहे हैं, 4-5 लाख के काम और चल रहे हैं। कुल मिला के 1.5 महीने 15 लाख का लगभग का विकास कार्य गाँव में हुआ है। आगे भी बहुत सारे विकास होने बाकी है। अभी तो हमारे एक मांगलिक भवन का आवेदन दिया है माननीय थावरचंद जी गहलोत साहब को, उन्होंने भी हमारे रिकमेंड पे उसको स्वीकृत करने के दिए हैं। माननीय विधायक जी जगदीश जी देवड़ा, उनसे भी हमारी बात हुई, उन्होंने भी 5 लाख रुपए विकास कार्य के लिए देने के लिए कहा है। यदि कार्यकाल और बड़ा 1-2 महीने का और तो ये सब पैसे आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा गाँव का विकास हो जाएगा। तो हम लगभग तत्पर हैं विकास करने के लिए और हमारी इच्छा यही है कि हमारा गाँव भी आसपास में जितना विकास हो रहा है उससे सब में प्रथम आके खड़ा रहे तो हमें अच्छा लगेगा। मंदसौर से रवि पौड़वाल की रिपोर्ट।